हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो बिजली विभाग है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट आए हैं। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इसका प्रीवियस पेपर कहाँ मिलेगा, तो वेबसाइट पे आप लोगों को नहीं मिलेगा और ना ही गूगल पे कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पेपर मिलने वाला है। बट मैंने एक दो पेपर अरेंज किए हैं आप लोगों के लिए, तो उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम पहले हल्का सा सिलेबस को देखेंगे। 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें क्या डिफरेंस है और अभी क्या डिफरेंस है, और उसके बाद फिर पेपर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू एक। तो ये था आप लोगों के 2018 का पीडीएफ जो एडवर्टाइजमेंट आया था। और यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के, अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 200 अंकों की परीक्षा थी और सामान्य अंक के 50 अंक थे, और यहाँ पे कंप्यूटर के 30, उसी तरीके से मानसिक योग्यता रीजनिंग के 30 और सामान्य गणित के 30 और हिंदी व्याकरण के 40 और इंग्लिश के यहाँ पे 20। बट अभी के सिलेबस की बात करें हम, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जस्ट इसका हाफ हो गया है सारा कुछ। यहाँ पे आप लोगों के 100 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं और सब कुछ सिलेबस लगभग आधा है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये देख सकते हैं 25 नंबर के कंप्यूटर हो गए हैं आपके, और सॉरी 15 नंबर के कंप्यूटर सामान्य ज्ञान 25 का, और यहाँ पे मानसिक योग्यता आपके जो रीजनिंग है वो 25 के हो गए हैं। तो ये पहले की तुलना में सिलेबस आधा है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है दोस्तों। और चयन प्रक्रिया, ये सब के बारे में हमने बात कर लिया है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं ओवरव्यू एक सॉरी ओवरव्यू यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पेपर है आप लोगों का एग्ज़ाम जो हुए हैं 2019 में। 2018 में वैकेंसी आई थी और 24/8/2019 को ये जो एग्ज़ाम हुए हैं एक कैंडिडेट का, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये मांगा है उनसे। तो किस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं ये देख सकते हैं। आपका जो जनरल नॉलेज है उसमें यहाँ पर आप लोगों के छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग ही जनरल नॉलेज लास्ट टाइम पूछे गए थे। तो आप लोग छत्तीसगढ़ की वैकेंसी में जो सीजी जीके है उसको आप लोग काफ़ी वेटेज देते हुए पढ़िएगा सामान्य ज्ञान में। तो ये देख सकते हैं जिस तरीके से पेपर आएंगे आपके, निम्नलिखित कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय जनजाति है, तो ये गोंड है। तो ये एक तरीके का सॉल्व पेपर ही है दोस्तों, जो यहाँ पर हमको अप्लाई करने के बाद जब आंसर की आती है तो हमको अपने लॉगिन आईडी से देखने मिलता है, तो उसी का डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से सकल उत्पाद के बारे में पूछा गया है। तो जीके में इस तरीके का छत्तीसगढ़ के नॉर्मल यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, और सीजी जीके के अंतर्गत इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे देख सकते हैं गंगरेल जल विद्युत परियोजना गंगरेल बांध में जुड़ी है, जो नदी के पार बनाया गया है, तो ये महानदी है जो जिस पे ये डैम बना है। और उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों के 50 क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे लास्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 25 नंबर का जीके देखने मिलेगा। उसमें भी सीजी जीके का वेटेज ज़्यादा रहेगा, एक दो क्वेश्चंस बाहर के हो सकते हैं। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का कटोरा भी कहा जाता है, तो चावल के नाम से यहाँ पे उसी तरीके से देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। देख सकते हैं नदी से रिलेटेड हो सकते हैं, कारखानों से रिलेटेड हो सकते हैं, कौन सा कारखाना कहाँ पे है, जनजाति से रिलेटेड हो सकता है, बांध से रिलेटेड हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में हो सकता है। देख सकते हैं लोक गायन पंडवानी, ये सारा कुछ देख लेंगे सीजी जीके के अंतर्गत। देख सकते हैं वन विभाग के वन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, देख सकते हैं कितना परसेंट कवरेज करता है इस तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ के मंदिर जो है, तो लगभग यहाँ पे हर यहाँ पे जो आपका छत्तीसगढ़ जीके के हर सेक्टर से यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये बजट बजट का एक कब पेश किया है वो आ सकता है, और ये सारा कुछ आया था। अब यहाँ पे उसी तरीके से आप लोग देखेंगे ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके 40 क्वेश्चंस थे लास्ट टाइम, इस बार आप लोगों का
ये देख सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये एक तरीके का सॉल्ड पेपर ही है दोस्तों। आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस किए गए हैं। द स्पीड ऑफ डैश इज मेजर्ड इन द कैरेक्टर पर सेकेंड, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पे आ जाएगा। और उसी तरीके से CDR का फुल फॉर्म पूछा है, तो CDR का फुल फॉर्म होता है रिकॉर्डेबल। उसी तरीके से गूगल यहाँ पे स्पेलिंग पूछी गई है, ओरिजिनल स्पेलिंग क्या है और किससे डिराइव्ड किया गया है गूगल को, ये पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से, वायरसेस से संबंधित, तो कंप्यूटर से संबंधित प्रिंटर हैं आपके या फिर शॉर्टकट कीज़ हैं, तो ये सारा कुछ सिलेबस में आपका होने वाला है, देख सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम से पूछा गया है, ग्राफिकल यूज़र सिस्टम्स ये देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम, तो ये सारा कुछ यहाँ पर आप लोग देख लेंगे दोस्तों। इस तरीके से ये पेपर होने वाला है आप लोगों का, ये देख सकते हैं। ये पूरा और देख सकते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस फिर आ गए हैं। तो रीजनिंग के अंतर्गत आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह के रीजनिंग्स यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे कागज़ को किस तरीके से मोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीजनिंग में क्वेश्चंस थे। और भी श्रेणी क्रम से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं, ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चंस हो सकता है। तो आपको लगभग यहाँ पे हर तरीके का आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा, रीजनिंग का, चाहे मैथ्स हो, मैथ्स से रिलेटेड हो, ये देख सकते हैं। ये रीजनिंग, सारे तरीके के रीजनिंग्स आपको पढ़ने होंगे। ये देख सकते हैं जो मिसिंग नंबर है, लुप्त संख्या है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। -1, अगर आप लोग का कमेंट आता है तो मैं डेफिनेटली इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो सॉल्व पेपर का ही बना दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये संख्या से पद्धति से ये देख सकते हैं, इवन ऑड छाटने वाला है आप लोगों का। और उसके बाद फिर यहाँ पे सीरीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं वही कि असामान्य इनके ऑड को छांटिए, तो इस तरीके के रीजनिंग आप हो सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है माताओं, डॉक्टरों और महिलाओं के बीच क्या संबंध है, तो ये आप लोग जानते हैं कि एक माता जो है वो एक महिला जो है डॉक्टर भी हो सकती है और आप लोग के माता भी हो सकती है, यानी कि एक डॉक्टर जो है महिला भी होती है और माता भी होती है, तो उसी के बीच में ये संबंध को दर्शाया गया है वेन डायग्राम के माध्यम से। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका रहता है डायस से संबंधित, घन से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, फोल्ड करने पे कौन सी आकृति कहाँ दिखेगी। और ये कुड भाषा से, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसमें ऑड छाटना है। उसके बाद यहाँ पे अरेंजिंग, यहाँ पे शब्दकोश के अनुसार वट को अरेंज करने जैसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है रीजनिंग के अंतर्गत ही। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस हो सकते हैं रीजनिंग में। और उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जोड़ी में कौन सा अलग है, इवन ऑड ही छांटने वाला। और ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन से देख सकते हैं, ये कोड भाषा में 3, 4, 5 को टेल्स हैंडसम मैन लिखा है, तो ये हैंडसम यंग बॉय का कोड क्या होगा, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। देन उसके बाद ये देख सकते हैं सूर्य का तारा है, तो एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं रीजनिंग के अंतर्गत। और यहाँ पर से मैथ्स स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें परसेंट है आपका, आपका जनसंख्या में जो परसेंटेज है, एवरेज है आपका, मिश्रण है आपका यहाँ पर। देन उसके बाद
यहाँ पर आप लोगों के थोड़े से बीजगणित के भी क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके क्षेत्र मिति से संबंधित हैं, आयतन से संबंधित क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ये देख सकते हैं। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, समय और चाल से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग देख लेंगे, इसकी PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, और हिंदी इंग्लिश का भी क्वेश्चंस होगा दोस्तों इसमें। ये देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, संधि है, समास है, ये देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो में आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बट मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।